चलो आज के सेशन में लोग सीखेंगे कि कब आपका केपी डिफाइन कब नहीं होगा। तो ध्यान देना, जब भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आप लोगों को एक्सप्रेशन किस तरह से लिखना, अब आ चुका है तो आप लोगों को केसी और के इक्वलम में आ चुका है। तो ध्यान देना, जब भी किसी रिलेशन का के इक्वलम लिखते हो, ठीक है, या केसी लिखते हो, तो ये हमेशा अलाउड होता है, ऑलवेज अलाउड। इसका मतलब आप किसी भी रिलेशन का केपी और केसी हमेशा लिख सकते हो, ऑलवेज अलाउड। ठीक है, तो किसी भी रिलेशन का केसी और के इक्वलम लिख सकते हो, हमेशा अलाउड है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए पास। ठीक, लेकिन केपी पे कुछ लिमिटेशन होता है। जब केपी लिखते हैं तो केपी पे कुछ लिमिटेशन होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि केपी और केसी आप हमें सॉरी के इक्वलम और केसी आप हमेशा लिख सकते हो, बट केपी में कुछ लिमिटेशन होता है। तो इस लिमिटेशन को एग्जाम्पल से समझाते हैं हम। तो ध्यान देना, मान लेते हैं कि सामने केपी में लिखते हैं इस रिलेशन का, तो केपी कैसे लिखते हैं, तो केपी लिखने से पहले पहले उसका केसी लिखोगे। जैसे मान ले कि 2A सॉलिड आपके पास है, 3B गैस है, और यहाँ पे 4C लिक्विड है, और 3D या फिर ऐसा बोल देते हैं यहाँ पे, हाँ 2D गैस है मान लेते हैं। इस रिलेशन का हम केसी लिख सकते हैं। तो केसी में क्या करते हैं, तो केसी में बोला गया है जिसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा उसको नहीं लेते हैं। तो इसमें किसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा जी, तो कांस्टेंट होगा किसका, ए का होगा और सी का होगा। लिक्विड एंड सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होता है तो उसको नहीं लेंगे। तो केसी के एक्सप्रेशन में सिर्फ क्या आएगा, डी आएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है, कप स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी का पावर क्यू, ऐसा कुछ है। अब ध्यान देना, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को सिर्फ प्रेशर से लिंक कर सकते हैं, गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको प्रेशर से लिंक कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी को हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ डी बाई आर टू, और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी होगा उसको लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ बी बाय आर टू। इसको आप पुट कर दोगे तो अल्टीमेटली क्या जाएगा, तो प्रेशर ऑफ डी का स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ बी का क्या होगा, क्यू हो जाएगा, ठीक, इंटू आर टी का पावर क्या होगा, तो आर टी का पावर ऊपर हो जाएगा, क्या ऊपर हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देना केसी एक कॉन्स्टेंट है और आर टी भी कॉन्स्टेंट है, तो अल्टीमेटली ए बी टर्म एक कॉन्स्टेंट होगा, इसको क्या बोल सकते हैं, के पी बोल सकते हैं। तो इस रिलेशन का के पी हम डिफाइन कर सकते हैं, इस रिलेशन का हम के पी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक के इस रिलेशन का के पी भी अलाउड होगा, यानी आपके पास अगर सिस्टम में सॉलिड लिक्विड अगर भी होगा, इन्वॉल्व होगा, तब भी गैस रहेगा, तो हम के पी डिफाइन कर सकते हैं। और के पी कैसा होगा, तो गैस का प्रेशर, तो पी डी का स्क्वायर बाई पी बी का स्क्वायर, तो के पी इसके लिए अलाउड होगा। ठीक है, यानी इस रिलेशन का हम केपी लिख सकते हैं, इस रिलेशन का हम केपी लिख सकते हैं। तो पॉइंट आता है केपी कब नहीं लिखेंगे, केपी कब नहीं लिखेंगे, तो ध्यान देना केपी आप कब नहीं लिखते हो। इसी इक्वेशन में हम एक एक्वस टर्म लग देते हैं, इसी इक्वेशन में हम एक एक्वस का कंपोनेंट डाल देते हैं, मतलब कोई एक्वस सॉल्यूशन का कंपोनेंट हम डाल देंगे। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं सेम इक्वेशन में अगर 2A सॉलिड प्लस 3B गैस था, ठीक है, इसमें और यहाँ पे क्या था, 4C लिक्विड, 2D गैस लिए, और आपके पास यहाँ पे 3E एक्वास मान लेते हैं, यानी हम क्या कि इसमें एक्वास कंपाउंड को ऐड कर दिए। तो इसका केसी लिख पाएंगे, तो हाँ केसी लिख पाएंगे, केसी में कोई दिक्कत नहीं है। केसी में बस क्या करना हो, चलो आपको वेरिएबल कंसंट्रेशन को लेना है, तो वेरिएबल कंसंट्रेशन कौन कौन होगा, तो एक्वस होगा और गैस होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, डी का कंसंट्रेशन लेंगे हम लोग का स्क्वायर, ई का कंसंट्रेशन का क्यूब रहेगा, डिवाइडेड बाई बी का कंसंट्रेशन का क्यूब रहेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका केसी। केसी में सॉलिड और लिक्विड को नहीं लेंगे, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, उसको हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूसिव होता है। ठीक है, तो केसी का एक्सप्रेशन ऐसा हो सकता है। अब इसके लिए हम केपी लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, चेक करते हैं पर हम लोग। तो ध्यान देना, अब सारे गैस यहाँ पे गैस कौन कौन है, तो गैस आपका डी है, गैस आपका डी है, और क्या है, बी आपका गैस है। तो दो दो गैस आपके पास, कौन कौन गैस है जी, एक बी है और क्या है, डी है।
तो दोनों का प्रेशर होगा, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से लिंक कर सकते हैं, तो हम लोग केसी के एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं, तो प्रेशर ऑफ डी, हम लोग पता है ना कि डी का जो प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ डी बाय आर टी, और जो बी का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको लिख सकते हैं हम लोग प्रेशर ऑफ बी बाई आर टी। तो बस इसको पुट कर दे, इसको पुट कर दे, आप पुट करेगा ठीक है, तो प्रेशर ऑफ डी बाई आर टी कर ले, तो यहाँ पावर क्या होगा, पावर होगा स्क्वायर चेक, नीचे क्या होगा प्रेशर ऑफ बी बाई आर टी, यहाँ यहाँ पावर क्या होगा, यहाँ पावर होगा क्यू, और ई एक्वस है ना, तो ई को हम चेंज नहीं कर सकते, ई का कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर लिंक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ई गैस नहीं है, ई एक्वस है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो ई का एक्वस कंडीशन ही नहीं करेगा ठीक। अब ध्यान दें, अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो इसको अरेंज कर ऐसा कर दो कि प्रेशर ऑफ डी का स्क्वायर बाई प्रेशर ऑफ बी का पावर क्यू और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई का क्यू और आर टी का पावर, आर टी का पावर 3-1। तो ध्यान देना इस इक्वेशन को और करना, आप इसको इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा मेरा, अगर आपके पास 12 लिखा हुआ है, 12 इक्वल टू है, या सॉरी इसको आप ऐसा कर ले, आप इसको ऐसा कर ले 24 मान लेते हैं, 24 इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इन तीन वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर 24 है, तो अगर कोई बोले है कि जेड को हम 2 बोल देंगे, जेड को 2 करने का मतलब थोड़ी है कि एक्स वाई का वैल्यू हम फिक्स किए, अगर तीन वेरिएबल का प्रोडक्ट, अगर तीन वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर मान लेते कोई कॉन्स्टेंट चीज है ठीक है, इसका मतलब थोड़ी है कि आपका एक्स वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, नहीं, जेड का वैल्यू 2 होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक्स का और वाई का वैल्यू फिक्स नहीं हो रहा है, यानी एक्स और वाई को हम किसी कोई कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बस जेड का वैल्यू फिक्स हुआ है ना, एक्स वाई का वैल्यू तो फिक्स नहीं हुआ है, तो हम एक्स या वाई को कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते हैं, तो जब भी तीन वेरिएबल का प्रोडक्ट कोई कॉन्स्टेंट होगा उसमें से किसी एक वेरिएबल को फिक्स करोगे, इसका मतलब बाकी दोनों वेरिएबल फिक्स होने का कोई मतलब नहीं है ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपके पास तीन वेरिएबल का प्रोडक्ट कुछ वैल्यू कॉन्स्टेंट है, उसमें से किसी एक वेरिएबल को फिक्स करते हो, तो इसका मतलब बाकी दोनों वेरिएबल चेंज कर सकता है, यानी उसको कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते, वही सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ देखोगे यहाँ पे आपको पता है कि केसी क्या है, कॉन्स्टेंट है, केसी क्या है, कॉन्स्टेंट है, केसी कॉन्स्टेंट है, और ये देखोगे यहाँ पे तीन तीन चीजें, एक एक ए वाला टर्म है, एक ए वाला टर्म है, और एक ए वाला टर्म है, यानी केसी इन तीन टर्म का प्रोडक्ट, केसी इन तीन टर्म का प्रोडक्ट है, इसमें ए वाला पार्ट, ए वाला टर्म कॉन्स्टेंट है, ए वाला टर्म कॉन्स्टेंट है ठीक है, ए टर्म कॉन्स्टेंट है, बट आपका ए कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर सकता है, वो क्या सीखे हैं कि एक्वस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वेरिएबल होता है, एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल होता है, तो ए टर्म वेरिएबल है, ए टर्म क्या है, वेरिएबल है, अगर मान लेते हैं एक टर्म वेरिएबल होगा तो इसका मतलब ए टर्म क्या होगा, वेरिएबल होगा, यानी इस केस में अगर आर टी का पावर कॉन्स्टेंट है, तो लेकिन चूंकि कॉन्सेंट्रेशन एक्वस का वेरी करेगा, तो जो प्रेशर का रेशियो दिख रहा है उसको भी क्या होगा, वेरी करेगा, यानी इस केस में जो प्रेशर का रेशियो है वो उसको हम कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते, यानी इसको केपी बोलना गलत है, यानी इस क्वेश्चन के लिए अगर कोई बोला केपी इक्वल टू, इस ऊपर वाले रिलेशन का केपी इक्वल को ऐसा लिख के दे देगा मेरे को कि केपी, इसको हम केपी बोलेंगे, तो वो गलत लिख रहा है, और इसको आपको अप्रिशिएट करने आना चाहिए ठीक है, कि इसके लिए हम केपी डिफाइन, ये केपी बोलना गलत है, यानी इसके लिए केपी डिफाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब केपी कब डिफाइन नहीं होगा, तो जब जब आपके सिस्टम में एक भी एक्वस होगा, गैस के साथ सॉलिड लिक्विड चलेगा, देखो आप बैक समझो, यहाँ पे अगर सॉलिड लिक्विड था तो कोई दिक्कत नहीं था, सॉलिड लिक्विड से कोई दिक्कत नहीं है, गैस होने से केपी डिफाइन कर सकते हैं लोग ठीक है, उसके साथ अगर अगर उसके साथ अगर सॉलिड लिक्विड हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कब अराइज होता है, जब गैस के साथ एक्वस आ जाएगा, अगर आपके एक्सप्रेशन में गैस के साथ एक्वस रहेगा तो उसके इसमें केपी तो पक्का हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर का रेशियो कॉन्स्टेंट होगा ही नहीं, तो उसके लिए हम कॉन्स्टेंट में एसोसिएट नहीं कर सकते हैं ठीक है। हाँ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान देना, कोई अगर ज्यादा दिमाग लाएगा तो ध्यान देना, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन उसको हम आगे लिख दे रहे हैं आपके लिए ध्यान से, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं, एक्सप्रेशन क्या था आपके पास, केसी इक्वल टू था पी डी का स्क्वायर और पी बी का पावर क्यू था, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई का क्या था, पावर क्यू था, और आर टी का पावर क्या था, 3-1 था, ऐसा कुछ था ठीक है। तो कोई ऐसा करेगा ना, कोई ऐसा करेगा कि इस पूरे टर्म को ले लेगा एक साथ, तो अगर मान लेते एक ए चूंकि कॉन्स्टेंट है,
ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो, पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप अगर मान लो एक्वस रहेगा ना गैस के साथ, तो आप क्या करोगे, आप उस केस में आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा एक्वस का, ठीक है, यानी गैस के साथ साथ एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा, तो एक कॉन्स्टेंट बनेगा। यानी अगर ऐसे इक्वेशन था आपके पास, ये जो इक्वेशन था, इसके लिए केसी डिफाइन हो सकता है बट केपी डिफाइन नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें एक कॉन्स्टेंट हम निकाल सकते हैं, कब, अगर इसमें ऐसा हो जाए, तो इसके लिए आप एक होगा कि अगर आप गैस का प्रेशर ले लो और एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन ले लो, यानी इस इक्वेशन में क्या करना, गैस का लेना प्रेशर और एक्वस का लेना कॉन्सेंट्रेशन। उसमें लिख के दिखा देना आपके लिए कि इस केस में हम लिख सकते हैं गैस का प्रेशर और एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन ले लें, तो ए एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ए एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इस कॉन्स्टेंट को हम नाम दिए हैं केपीसी, क्या बोला गया इसको, केपीसी, यानी इसमें गैस का प्रेशर लिया गया है और एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन लिया गया है। तो केपीसी भी एक कॉन्स्टेंट लिखने का तरीका होता है। एक कब लिखते हैं हम लोग, या कब लिख सकते हैं, जब आपके साथ गैस और एक्वस दोनों होगा, तो उसके उसमें केपीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली केपीसी का यूज ज्यादा होता नहीं है, हम लोग केपी केसी तक में ही काम खत्म कर लेते हैं, बट केपीसी क्यों लिखा जाता है समझ आ गया। और केपी कब नहीं लिखना आपको भी समझ आ गया, जब भी आपके गैस साथ गैस के साथ एक्वस होगा, उसके लिए केपी डिफाइन नहीं होगा। जब भी गैस के साथ एक्वस होगा तो केपी इज नॉट डिफाइन, ठीक है, इसको ऐड कर ले, केपी इज नॉट डिफाइंड व्हेन व्हेन एक्वस इज ऑल्सो प्रेजेंट, उसमें केपी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहेगा चलो आज का सेशन, ठीक है।